नमस्कार किसान भाइयों, बाजार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जयपुर माना मंडी में है, 13 फरवरी 2024 हो चुका है और हम हैं मुकेश भाई के पास, नारायण ट्रेडर्स पर। लहसुन का क्या बाजार देखने को मिला है, कितनी आवक देखने को मिल रही है, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, क्वालिटी देख सकते हैं। तो मुकेश भाई से जानेंगे आज का ताज़ा अपडेट, क्या बाजार देखने को मिला है, आगे क्या संभावना रह सकती है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। सर बहुत बढ़िया हूँ, जय श्री राधे, जय श्री श्याम सब भाइयों। मैं आशा करता हूँ कि सब कुशल मंगल होंगे, सब मस्त होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लहसुन का बाजार बहुत ज़्यादा टाइट चल रहा है। आप भी देख रहे हैं कि देसी 260 रुपये तक बिक रहा है, 250-60। आज थोड़ा सा नरम है क्योंकि पीछे बाजार डाउन है। अच्छा जी सर, और सर ऊटी वाला क्या बिक रहा है? ऊटी वाला 270-280 रुपये तक बिक रहा है अभी तक। देखो पीछे कितना नरम खुलते हैं, क्या करते हैं, उस पर निर्भर रहेगा। बिल्कुल, आमदनियाँ फुल है सारी मंडियों में। तो अपने यहाँ जयपुर की मंडी की बात करें तो मंडी के अंदर भी आज माल फुल है। आज बाजार 5 से 10 रुपए डाउन ही मानो आप। अच्छा जी, अच्छा, यही मानो। देसी बिक रहा है 250 रुपए तक, नीचे में जैसे माल वैसे भाव है। ग्राहकी ठीक है, बहुत अच्छी ग्राहकी है, आमदनी आज फुल है। नहीं नहीं करके मेरे हिसाब से आज आमदनी होगी कम से कम 4 से 5 हज़ार। 4 से 5 हज़ार कट्टे होंगे जयपुर मंडी में, 100 बहुत ज्यादा। और सर ग्राहकी मैं देख रहा हूँ बहुत ही बढ़िया है, ग्राहकी इतना मतलब महंगा होने के बावजूद भी ग्राहकी बहुत अच्छी है, डिमांड बनी हुई है, ब्याह शादी वगैरह भी है। तो सर पीछे अगर मंडियों की बात करें तो वहाँ क्या पोजीशन है? अच्छी बाजार बता रहे हैं आज, नीमच में भी 20 हज़ार कट्टे बता रहे हैं। अच्छा, चारों तरफ बहुत अच्छा माल आया हुआ है, आमदनी फुल है। अब देखो क्या बाजार खुलता है और कैसे करते हैं। बिल्कुल, तो आपके हिसाब से अब आने वाला समय कैसा देख रहे हो? जैसे बढ़िया है भैया, आने वाला कच्चे में खूब माल निकल जाएगा, आने वाला भविष्य। देखो स्टॉक के बीच में लगते हैं स्टॉक करने वाले, तो बाजार अच्छा रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और सर अभी जैसे मार्च में अपना कोटा वाला शुरू हो जाएगा, मार्च में तो अभी टाइम है, महीना भर है उसको चालू होने में। बिल्कुल, महीने भर बाद ही चालू होगा, तो महीने भर तो बहुत अच्छा रहने की उम्मीद है। तो जैसे अभी तो बाजार बहुत अच्छा है, पर जैसे चारों तरफ से लहसुन आएगा तो 2024-25 आप कैसा देख रहे हैं सर लहसुन? अभी कहना बहुत जल्दबाजी है, एक बार फसल देखे कैसी आती है। अच्छा जी, अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी रहेगी, पर डाउन जिस हिसाब से अब मार्केट बना हुआ है उस हिसाब से डाउन तो इतना नहीं आएगा, होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हाई रेट्स हैं, इसको कम में आना चाहिए, मेरे को लगता है आने वाले टाइम में कम हो जाएगा। अच्छा जी, अच्छा, तो 100 से 150 का बाजार रह सकता है सर? ठीक, जो चारों तरफ से जब लहसुन आ जाएगा तो 100 से 150 का बाजार रहेगा या 100 से नीचे भी आ सकता है? अभी कुछ भी नहीं कह सकते, बहुत अच्छा जल्दबाजी है। क्या नाम, कैसा क्या रुक बैठता है, अभी बहुत जल्दबाजी है। अभी कितना तेजी से माल निकलता है, कैसी फसलें हैं, वो पता करना पड़ेगा, उसके बाद ही बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सही कह रहे हो सर। पर सर अभी जैसे जो किसान भाई है कच्चा माल ला रहे हैं, उनको कच्चा माल लेके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? निकाल बहुत अच्छे भाव मिल रहे हैं, 200 रुपये में उनका कच्चा माल बिक रहा है, 250 रुपये में कच्चा माल मिलता है, बेचना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, 100% इस भाव में तो सपने में पहली बार इतने बड़े बड़े रेट देख रहे हैं। बिल्कुल, बड़े कच्चे में और क्या रेट्स लेंगे? और आने वाले समय में जब चारों तरफ से आ जाए तो दूसरा लहसुन ले सकते हैं उन्हीं पैसों में सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताएं। 9828113633 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। जय श्री राधे, जय श्री भारत। धन्यवाद सर।